दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज में 50% दर्शकों को एंट्री मिल सकती है। 5 T20 मैचों की सीरीज के सभी मैच मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 12 मार्च से खेले जाएंगे। BCCI के एक अधिकारी ने बताया कि भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेली जाने वाली T20 सीरीज में दर्शकों की एंट्री पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सरकार को करना है। अधिकारी के मुताबिक भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में खिलाड़ियों की सेफ्टी पहली प्रायोरिटी होगी। बोर्ड किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता। बायोसिक्योर बबल में एंट्री से पहले अधिकारियों और खिलाड़ियों को क्वारंटीन में रहना होगा। सभी के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही सभी को बायोसिक्योर बबल में एंट्री मिलेगी। वहीं तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने पहले ही बता दिया है कि पहले दो टेस्ट मैच में टिकट की बिक्री नहीं की जाएगी। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी RS रामासामी ने सदस्यों को भेजे सर्कुलर में कहा है कि कोरोना की वजह से चेन्नई टेस्ट बिना दर्शकों के खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। 5 फरवरी से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। वहीं पिंक बॉल टेस्ट समेत आखिरी दो टेस्ट मैच अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे और सबसे आखिर में 3 वनडे मैच की सीरीज पुणे में खेली जाएगी। BCCI ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड के भारत दौरे के लिए सिर्फ 3 वेन्यू को फाइनल किया है और ये मैच चेन्नई, अहमदाबाद और पुणे में खेले जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इंग्लैंड के इस दौरे का पूरा शेड्यूल क्या है। भारत के इस दौरे पर इंग्लैंड की टीम सबसे पहले टेस्ट मैच खेलेगी और पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी को चेन्नई में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 13 फरवरी से होगा और ये मैच भी चेन्नई में होगा। तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी को अहमदाबाद में होगा और ये डे नाइट टेस्ट मैच होगा। चौथा टेस्ट मैच 4 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के बाद बारी होगी T20 सीरीज की और पहला T20 मैच 12 मार्च को अहमदाबाद में होगा। दूसरा T20 मैच 14 मार्च को अहमदाबाद में होगा। तीसरा T20 मैच 16 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। चौथा और पांचवा T20 मैच भी अहमदाबाद में ही होगा और ये मैच 18 और 20 मार्च को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के बाद बारी होगी वनडे सीरीज की। पहला वनडे मैच 23 मार्च को होगा, दूसरा वनडे मैच 26 मार्च को और तीसरा और आखिरी वनडे मैच 28 मार्च को होगा और ये सभी वनडे मैच पुणे के मैदान में खेले जाएंगे।